हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं बहुत आसान तरीके से फेशियल लेकर आई हूँ, जो कि हम करेंगे घर की चीज़ों में जो हमें अपने किचन से ही मिल जाते हैं। आज का जो भी फेशियल है वो हर टाइप्स की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो फेशियल बताएंगे वो हमारे चेहरे की परेशानियाँ हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन हम हार नहीं मानते, फिर भी हम लगे रहते हैं। और जो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ उसकी जानकारी और नए तरीके DIY तरीके के साथ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा फेशियल जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन को दूर करता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपके लिए लेकर आई हूँ मैं एलोवेरा फेशियल। एलोवेरा फेशियल हर टाइप की त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि कुछ चीज़ों का जो कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं उनको दूर रखना चाहिए, और हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जो हमारे काम आएंगी, यानी कि हमें हमारी त्वचा को निखारने में मदद करती है। और इस वीडियो के साथ बने रहिए और अपनी त्वचा का ध्यान रखते हुए अपनी त्वचा के बारे में बताएं कि आपकी त्वचा किस तरह की है, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं कि आपकी त्वचा कैसी है। और आगे बढ़ने से पहले मेरी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ मैं आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एलोवेरा का जो नेचुरल पेड़ होता है उसके पत्ती तोड़ी और उसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। अब हम एक बाउल में डालेंगे इसको एक चम्मच, और उसमें एक चम्मच छोटी हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अपने चेहरे पर लगाएंगे, पहला स्टेप है ये। और इससे फिर हम मसाज देंगे हल्के हाथों से, इससे हमारे चेहरे पे जो डेड स्किन होती है उनको दूर करने में हमारी मदद करता है और हमारे चेहरे की गंदगी को हटाने में मदद करता है। इसको हम पहला स्टेप को 5 मिनट के लिए करेंगे और इसके बाद हम इसको धोएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगला स्टेप हम दूसरा करेंगे के लिए हमने फिर से एक बाउल ली, उसमें हम एलोवेरा जेल लेंगे एक चम्मच। इसके लिए हम यहाँ पर कॉफ़ी भी ले सकते हैं और मसूर दाल का पाउडर यानी कि आटा। तो हमने यहाँ पर मसूर दाल का आटा लिया है, उसमें हमने एक चम्मच नींबू का डाला, इसके बाद हमने यहाँ पर एक चम्मच शहद डाला। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हो, अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो आप इसमें ऑयल को स्किप कीजिएगा। हमारा ये देसी शहद है, मार्केट से ख़रीदा हुआ शहद नहीं है, क्योंकि मार्केट से ख़रीदे हुए शहद में केमिकल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर देसी हनी लिया है। इसके बाद हम इसको अपने चेहरे पर स्क्रब करेंगे, हल्के हाथों से मसाज करेंगे। इस पेस्ट को लगाने के बाद आप बाफ भी ले सकते हैं। इस सेकंड स्टेप की मसाज हमें 10 मिनट तक करनी है। इसके बाद हम तीसरा स्टेप लेंगे। आप इसके बाद बाफ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बाफ नहीं ली है। अब तीसरे स्टेप में चलते हैं। हमने यहाँ पर फिर से एलोवेरा जेल लिया, उसके बाद हमने चावल का आटा लिया है, एक चम्मच नींबू लिया,
नींबू का रस और थोड़ा सा हनी डालकर इसको मिक्स करेंगे और हल्की सी हल्दी लेंगे इसमें, और इसके बाद हम इसको 10 मिनट तक अपने चेहरे पर ऐसे ही रखेंगे लगाकर। ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसको हम चेहरे पर इस तरह से लगाएंगे क्योंकि हमें चावल काटा है तो हमें अपने चेहरे पर लगाने में दिक्कत होगी, तो हमें इसको धीरे धीरे लगाना है। और अब इसको लगाकर हमें 10 मिनट के लिए ऐसे सूखने के लिए छोड़ना है, थोड़ा सा सूखे तब इससे इसके बाद मसाज करनी है हमें अपने चेहरे पर। इस फेशियल से हमारे चेहरे पर गोल्डन फेशियल जैसा निखार आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यहाँ पर हमारा ये फेस पैक थोड़ा सूख गया था, इसके बाद हमने यहाँ पर 5 मिनट मसाज की अच्छे से हल्के हाथों से। उसके बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएंगे। याद रखिए, आप इसको धोने के बाद 2 दिन साबुन का प्रयोग या फेस वॉश का प्रयोग न करें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित रही होगी। अगर आपको लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, मैंने यहाँ पर फेस को अपने अच्छे से साफ कर लिया है और देखिए मेरे चेहरे पर निखार। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी त्वचा कैसी है। Thanks for watching video. Bye-bye.